इस बार ईद में ईदी देने के लिए भाईजान सलमान खान नहीं बल्कि आ रहे हैं स्टार बॉय आसिम रियाज। जी हाँ, वो आसिम रियाज जो कि बिग बॉस सीजन 13 के घर के अंदर छा गया था, वो आसिम रियाज जिसने बिग बॉस सीजन 13 के सोशल मीडिया, जब पूरा वो जो चलता है पूरा सोशल मीडिया का पूरा सर्कस, उसमें नंबर 1 पर पहुंचे थे। और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, वो आसिम रियाज जो कि 0 था और आज वो हीरो बन गया है। क्या है ये बात, मैं राहुल भोज आपको खुल के बताता हूं। तो स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया हूं बताने के लिए जरूरी इंपॉर्टेंट बात। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे मौजूद हूं तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं स्टार बॉय आसिम रियाज की। जी हाँ, आसिम रियाज बैक टू बैक काम कर रहे हैं और बिग बॉस के बहुत कम ऐसे कंटेंटर्स होते हैं जिसे इतना काम मिलता है कि उसे बात करने तक की फुर्सत नहीं मिलती। मीडिया से कम इंटरेक्ट करते हैं वो, बट लेकिन अपने काम को लेकर वो हमेशा अपडेटेड रहते हैं और अपने काम से ही जवाब देते हैं हेटर्स को भी। अब दोस्तों, ईद 2021 में हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कहीं ऐसा होगा कि सलमान खान की फिल्म आएगी राधे, बट दोस्तों राधे तो नहीं आ रही, लेकिन इस बार ईद पर तोहफा दे रहे हैं वन एंड ओनली स्टार बॉय आसिम रियाज। बता दूं आपको तो बैक टू स्टार्ट उनका एक नया सॉन्ग आने वाला है। 4 नए, पहले तो बता दूं कि आज वो लाइव आते हैं और 4 बड़ी बातें करते हैं कि 4 मेरे नए ट्रैक आने वाले हैं। पहला है बैक टू स्टार्ट, दूसरा है दोस्तों एक किंग खोंग, तीसरा है बिल्ड इन पेन, चौथा है विद जैस्मिन वालिया, अभी नेम जो है उसका आने वाला है। सो आसिम स्क्वाड, क्या आप तैयार हैं इस धमाके के लिए? तो कमेंट सेक्शन में जिसके बारे में जरूर बताएं। वैसे दोस्तों आपको बता दूं तो आसिम रियाज वो एकमात्र पर्सनालिटी है बिग बॉस की जिन्होंने कि इतने व्यूज कमाए हैं अपनी वीडियोस में कि क्या बताएं, मतलब उनके हर एक गाने 50 मिलियन से तो ऊपर रहते हैं, राइट, जो भी आता है। अब देखते हैं कि ईद की ईदी आसिम की तरफ से जो मिल रही है बैक टू स्टार्ट वो कैसी होगी। आर यू गाइस एक्साइटेड और नॉट? व्हाट इज योर रिएक्शन? कमेंट डाउन बिलो, फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए मुझे, और बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज।